गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ चिराग सुखानी फ्रॉम रॉकवेल बीबीए कॉलेज वापी एंड वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज वैल्यूएशन ऑफ द प्रेफरेंशियल। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज 12 ईयर्स प्रेफरेंस शेयर हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100। द इन्वेस्टर्स रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। वॉट इज वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इफ द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ रुपीज 10 पर शेयर एंड दिस शेयर विल रिडीम एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, दैट इज 5% प्रीमियम वाला है, ध्यान देना। इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज 12 ईयर्स प्रेफरेंस शेयर, सो एन इज वॉट 12 ईयर्स, हैविंग द फेस वैल्यू 100। द इन्वेस्टर्स रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न दैट इज के पी 11%। What is value of the preference share if the company declared the dividend of rupees 10? So PDV is what? 10. But यहाँ पे याद रखना, this share will redeemed at rate of 5% premium. Okay, वो redeem कैसे हुआ था? Redeem at 5% premium. Now here, जो आपका formula है ना कि पी डी अपन 1 plus KP raise to T plus FN, सो हियर फेस वैल्यू इज वॉट द वैल्यू विच बॉन्ड होल्ड द शेयर होल्डर विल गेट एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर उसको क्या मिलता है। तो के तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू 100 से हुआ था इश्यू, बट वो रिडीम कैसे हुआ? 5% प्रीमियम से हुआ। आया समझ में? नाउ यहाँ पे नोट लिखना हो तो लिख लेना कि इफ इन सम the premium or discount, is given, then it is calculated on face value, फेस वैल्यू। इफ इट इज प्रीमियम, देन एड टू द फेस वैल्यू, प्रीमियम से हो रहा है तो एड टू द फेस वैल्यू, एंड इफ इट इज एट डिस्काउंट देन deduct it from face value। है समझ में? सो याद रखना कि जब भी बॉन्ड बॉन्ड या प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा एट पार, एट प्रीमियम या डिस्काउंट, सो प्रीमियम से होगा तो फेस वैल्यू में ऐड करना है, वॉट एवर परसेंटेज इट इज, डिस्काउंट से होगा तो फेस वैल्यू से डिडक्ट करना है। क्लियर? तो हियर फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू कितना है 100 है, बट वो 5% प्रीमियम से हुआ। क्लियर? सो 100 प्लस 5, सो फेस वैल्यू क्या बन जाएगा? 105 रुपीज। इट मीन्स व्हाट? एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? 105, बाकी सब सेम। क्लियर? चलो फॉर्मूला क्या है, P0 इज इक्वल टू समेशन टी इक्वल टू 1 to n पी ड्यू टी 1 plus KP raise to T प्लस फेस वैल्यू 1 plus KP raise to T। कितना डिविडेंड मिल रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपीज़ डायरेक्टली दे दिया है, 10 रुपीज़। 1 plus cost of preferences 11% है, सो 0.11 इन मैच्योरिटी पीरियड 12 प्लस यहाँ पे फेस वैल्यू प्रीमियम से हो रहा है तो 105 रुपीज़ मिल रहा है, 1 plus 0.11 raise to 12। अब यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, क्या देखना है? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 11% फॉर 12 ईयर्स देखना है, 11% फॉर 12 ईयर्स। क्लियर? तो क्या आएगा? 10 का 10, 11% फॉर 12 ईयर्स, सो वैल्यू आएगा 6.492। क्लियर? देख लो, एन्यूटी फैक्टर देखना है, 11% फॉर 10 ईयर्स, 5
11% फॉर 12 इयर्स, 6.492 दिख रहा है, 6.492 प्लस 105, जो एक ही टाइम मिलेगा 105, कब मिलेगा? एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी. सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 11% फॉर 12 इयर्स. सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल 11% फॉर 12 इयर्स, 0.286, क्लियर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 64.92 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 30.03. सो आंसर इज वॉट वैल्यू 94.95, क्लियर. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. रुपीज 1000 फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स विल कैरी द डिविडेंड रेट 12%. सो फेस वैल्यू 1000, प्रेफरेंस डिविडेंड 12%. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड 12%, इट मींस व्हाट? 12% ऑफ 1000 ना. सो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आ जाएगा? 120. हाँ, याद रखना यहाँ पे परसेंटेज दिया तो 120. मैच्योर आफ्टर 10 इयर्स, सो एन 10 इयर्स, एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द के शेयर दैट इज के पी 15%. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द शेयर इफ इट इज रिडीम एट 5% डिस्काउंट. ओके, तो रिडीम कैसे हो रहा है? रिडीम एट 5% डिस्काउंट. तो आपका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 डिस्काउंट है तो -5% करना पड़ेगा, क्लियर. सो 1000 का 1000 -5% ऑफ 1050. ओके, तो अभी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 950 मिलेगा, क्लियर. बी सिंपल सा हुआ कि पी जीरो इज वॉट समेशन टी इक्वल टू 1 to n प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ टी 1 plus kp raised to t प्लस एफ एन 1 plus kp raised to t, क्लियर. कितना डिविडेंड मिल रहा है? 12%. सो 12% ऑफ 1000 दैट इज व्हाट? 120 अपॉन 1 plus kp कितना है? 15% एंड मैच्योरिटी पीरियड 10 है प्लस फेस वैल्यू डिस्काउंट से हुआ तो 950 रुपीज मिल रहा है. 1 plus 0.15 raised to 10, क्लियर. ना अभी यहाँ पे क्या देखना है? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 15% फॉर 10 इयर्स, क्लियर. प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर देखना है, एन्यूटी फैक्टर देखना है 15% फॉर 10 इयर्स, 5.019 प्लस 950 का 950 इंटू, यहाँ पे क्या देखना है? 15% फॉर 10 इयर्स. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल 15% फॉर द 10 ईयर, 0.247, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 602.28 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 234.65. ओके, सो आंसर क्या आएगा? 836.93, क्लियर. चलो नेक्स्ट एग्जांपल आंसर नंबर 5. आंसर नंबर 5. नाउ रुपीज 100 फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स विल मैच्योर आफ्टर 7 इयर्स. द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ रुपीज 6. द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 12. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर इफ रिडेम्पशन वैल्यू इज 90? डायरेक्टली दे दिया. ओके, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 दिया, मैच्योरिटी पीरियड 7 दिया, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड यानी PDU 6 रुपीज डायरेक्टली दे दिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 12%. ओके, एंड रिडीमेबल वैल्यू 90 रुपीज, दैट इज व्हाट फेस वैल्यू, क्लियर. चलो सिंपल सा ही दे दिया है. सो पी जीरो इज व्हाट? समेशन टी इक्वल टू 1 to n पी ड्यू टी अपॉन 1 plus kp raised to t.
प्लस एफ एन वन प्लस के पी रेस टू एन। नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, सिक्स वन प्लस के पी 0.12 सेवन ईयर्स प्लस 90 रुपीज़ मिल रहा है रिडेम्पशन, वन प्लस 0.12 रेस टू सेवन। कौन सा वैल्यू देखना है, 12% पर सेवन ईयर्स एन्यूटी, 12% पर सेवन ईयर्स एन्यूटी, 12% सेवन ईयर्स 4.564 प्लस 90 रुपीज़ में क्या देखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% पर सेवन ईयर्स, 12% पर सेवन ईयर्स 0.452 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 27.384 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 40.68, सो एडिशन ऑफ दिस 68.064 रुपीज़। आया समझ में? नाउ इन दिस मेथड नंबर टू प्रेफरेंस शेयर्स है बट वो इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। ओके नाउ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर्मूला एकदम सिंपल है, पी जीरो इज व्हाट पी ड्यू अपॉन के पी, वहाँ पे क्या था आई अपॉन के डी था ना, इंटरेस्ट अपॉन के डी था, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, बस वही है। ओके इरिडीमेबल मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन, क्लियर। चलो आंसर नंबर वन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इफ डिविडेंड रेट इज 12%, सो पी ड्यू 12%, फेस वैल्यू 100 एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के पी इज वॉट 10%, क्लियर। नाउ वी ऑल नो दैट प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, सो 12% ऑफ 100, सो पी ड्यू क्या बन जाएगा 12। ओके सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, पी ड्यू अपॉन के पी, सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 12 एंड के पी 10% यानी 0.10, सो रुपीज 120, क्लियर। चलो नेक्स्ट आंसर नंबर टू, फेस वैल्यू इज रुपीज 100, सो फेस वैल्यू 100, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 12%, सो के पी 12% एंड द प्रेफरेंस डिविडेंड पी ड्यू 9, डायरेक्टली दे दिया 9 रुपीज़। ओके तो सिंपल पी जीरो इज वॉट पी ड्यू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन के पी, सो डिविडेंड कितना है 9 एंड कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स 0.12। ओके सो रुपीज 75 इज वॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज ओवर, सो प्रेफरेंस शेयर्स में ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, दैट इज रिडीमेबल एंड द इरिडीमेबल, क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कैलकुलेट द नेक्स्ट, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर, क्लियर। बाय, टेक केयर।